तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए की किकबैक्स वसूल करने का केस एहतसाब अदालत लाहौर ने मोना सिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मोना सिलाही की जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अदालत ने जायदादों को कर्क करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद वर्क ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की है। लाहौर से मोहम्मद अशफाक हमें अपडेट करेंगे। जी अशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए मोनस इलाही को मुबैना अरबों रुपए की किक बैक्स वसूल करने के इल्जाम के मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया और साथ ही अदालत ने मोनस इलाही की जायदादों का रिकॉर्ड भी पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। नैब की जानिब से दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया था कि तरक्याती मनसूबों में मुबैना अरबों रुपए की किक बैक्स वसूल करने के मुकदमे में मोनस इलाही ना तो पेश हो रहे हैं और ना ही शामिल तफ्तीश हो रहे हैं और इससे मुतल्लिक मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके घर जा छापे भी मारे हैं लेकिन वो मौजूद नहीं थे, लिहाजा अदालत मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मोनस इलाही को रिकॉर्ड देखने के बाद इश्तिहारी करार दे दिया और मोनस इलाही की जायदादों का रिकॉर्ड भी आइंदा समाअत पर पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। जी ठीक है, मोहम्मद इशफाक लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।